गाइस हम लोग का जो GoPro है उसके साथ एक हो गया है हादसा, तो यहाँ से जो है आप लोगों का जो मेन मार्केट है वो शुरू होता है। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज केतन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ यस्टरडेज व्लॉग। गाइस ये जो व्लॉग है ये एक्चुअली पार्ट टू है कल का व्लॉग का, तो लाइक आपने अगर कल का व्लॉग नहीं देखा है तो जरूर से एक बार चेकआउट कर लो। फिलहाल जो टाइम हो रहा है दैट इज 2:30 एंड हम लोग जा रहे हैं हाफलॉन्ग मार्केट कुछ सामान खरीदने। यहाँ पे मेरे साथ है सौरभ एंड मेरा जो भाई है निक वो भी आ रहा है हाफलॉन्ग बाजार में कुछ शॉपिंग करने वाला है। वहाँ से आने के बाद हम लोग 3:30 को निकलने वाले हैं, कुछ व्यू पॉइंट्स जाएंगे, वैसे व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं क्या क्या सीन्स मिलता है हमें। एंड गाइस हम लोग का जो GoPro है उसके साथ एक हो गया है हादसा। GoPro का जो स्क्रीन है एक्चुअली ये जो स्क्रीन गार्ड है ये पूरा टूट गया है, तो लाइक अभी हम लोग इसका जो स्क्रीन गार्ड है उसे पील करके फेंकने वाले हैं एंड फिर हम लोग जो आज का जो जितना भी सिनेमैटिक्स मिलेगा आपको सब आपको इस GoPro का मिलेगा, क्योंकि लाइक कैमरा का जो स्टेबिलाइजेशन है उतना भी अच्छा नहीं है एंड हम लोग मूविंग शॉट्स अभी ज़्यादातर ले रहे हैं, तो GoPro जिंदाबाद एंड ऑल द सिनेमैटिक्स बाई सौरभ पाल। एंड हम लोग मार्केट जो है सामने ही है, मेरा पीछे आप रास्ता देख सकते हैं कितना स्लोप है नीचे, एंड मार्केट में चलते हैं कुछ शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ से जो है आप लोगों का जो मेन मार्केट है वो शुरू होता है एंड फिलहाल अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, एक अंकल का दुकान है जान पहचान का, उनका दुकान पे जा रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग मार्केट से निकल गए हैं एंड हम लोगों को बोल के दिया है कि सामने ही एक वर्कशॉप है, यहाँ पे बाइक रेंट पे मिलता है, तो लाइक मैंने अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप लाया तो क्यों ना बाइक एक रेंट करके मोटो व्लॉग किया जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वर्कशॉप पे, वहाँ पे देखते हैं मिलता है कि नहीं बाइक्स एंड ऑल। तो लाइक इतना समय से हम लोग वो बाइक का जो दुकान है उसे खोज रहे थे पर मिला नहीं है कुछ भी एंड फिलहाल अभी हम लोग पैदल ही घूम रहे हैं, मिठाई खरीदने जा रहे हैं। मिठाई अभी हम लोग कुछ मिठाई वगैरह लेंगे एंड लेके यहाँ से घर चले जाएंगे क्योंकि 3:30 को हम लोगों को निकलना है गाड़ी लेकर। एनीवेज गाइस टाइम एग्जैक्टली 3:30 हो रहा है एंड मैं आ गया हूँ गाड़ी के सामने एंड अभी हम लोग निकल जाएंगे। मम्मी पापा के लिए वेट करें, वो लोग आएंगे तो उन लोगों के साथ निकलेंगे, व्यू पॉइंट्स एन्जॉय करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग हाफलॉन्ग का जो सर्किट हाउस है उसके सामने आ गए हैं एंड यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा है सामने का दबाई वाला व्यू दिखाई दे रहा है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ पीछे का व्यू। ओ भाई क्या खूबसूरत लग रहा है। एंड अभी फिलहाल हम लोग इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक गार्डन टाइप भी एक है, तो लेट्स गो देयर फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको सीन दिखाता हूँ यहाँ का। एंड गाइस यहाँ पे एक और व्लॉगर मिला है मुझे। मेरा नाम सुरमलाल कैंप्राई है और मैं मयूरभंज से बिलोंग करता हूँ, मतलब यहाँ मैं पढ़ाई करने के लिए रहता हूँ। ओके ये यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए। एंड आपका चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल का नाम सुरमलाल कैंप्राई है। अच्छा अच्छा, तो एक बिग शाउट आउट टू हिज चैनल, आप लोग एक बार इसका चैनल को विजिट करना, मिलके बहुत अच्छा लगा भाई। हम लोग हाँ वेलकम वेलकम वेलकम। एंड यहाँ पे वैसे हम दो एक साथ मिलके इस एरिया को जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड कैसा लग रहा है वाला एरिया? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सिलचर से हूँ ना, मैं बहुत 2 साल बाद आया हूँ हाफलॉन्ग एंड बहुत मजा आ रहा है इस जगह पर। चलो एक साथ मिलके अभी इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, है ना? ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा हवा आ रहा है एंड पता नहीं विंड ब्लास्ट आ रहा है कि नहीं, पर कोई नहीं, यहाँ का जो सीन है बहुत 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 मज़ेदार वाला सीन है। अभी मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूँ एक्चुअली, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको सीन एक बार। Thank you.
सर्किट हाउस से अभी हम लोग निकल रहे हैं। बहुत समय यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया है एंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। कैसा लगा सौरभ तुझे? जगह तो एकदम एक नंबर है, फर्स्ट क्लास है ना। हाँ, फर्स्ट क्लास। क्या व्यू मिलता है इधर से, पूरा पहाड़ अच्छे से, पूरा पहाड़ दिखाई दे रहा है। देखो ना गाइस, क्या बताओ, स्पीचलेस। अभी हम लोग एक और व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं एंड एक्चुअली गाइस हमें निक लीड कर रहा है कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं। तो थैंक यू ब्रो, थैंक यू इतना इतना सुंदर सुंदर जगह पे लेके आने के लिए, थैंक यू। ओ सामने एक और व्यू पॉइंट है, वहाँ पे चलते हैं एक बारी। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू चिल। पीछे का सीन, ओ भाई तबाही वाला सीन है गाइस। एंड ऊपर भी बादल आ रहा है, शायद से बारिश आ सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि कल हम लोग जाना है बाइक राइड पे, तो लाइक बारिश नहीं आया तो कल और अच्छा, भी मजा आएगा। हाँ कल अगर बारिश नहीं हुआ, कल वेदर ने हम लोग का साथ दिया तो और भी मजा आएगा। एंड पता नहीं इतना जोर जोर से हवा दे रहा है यहाँ पे, विंड ब्लास्ट आ रहा है कि नहीं। हम लोग तो बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, नॉर्मली तो इससे भी जोर से बात करते थे। अभी फिलहाल यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए चिल मारेंगे, फिर निकल जाएंगे नेक्स्ट स्पॉट के लिए, क्योंकि हम लोगों को लेट हो रहा है। क्या सुकून मिल रहा है। हाँ भाई, हाफलोंग व्यू पॉइंट पे आ गए हैं। ये वाला है व्यू पॉइंट, ऊपर उसके ऊपर जाएंगे, वहाँ से पूरा हाफलोंग दिखाई देता है जितना तक मैंने सुना है। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। यहाँ से जो व्यू आ रहा है बहुत ही तबाही वाला व्यू आ रहा है। हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके एक बारी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से भी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, इसके ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन मिलता है हमें। फिलहाल अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं एंड और भी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ओ भाई बहुत ऊपर जा रहे हैं, बहुत गाइस पूरा ऊपर तक आ गए हैं एंड यहाँ पे बहुत जोर से हवा दे रहा है। यहाँ से सीन स्पीचलेस गाइस, स्पीचलेस। तो आप लोग जाके एक बारी फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको सारा फोटोज मिल जाएगा। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, नीचे जाके कुछ बारामोजा वगैरह है वो सब खाएंगे, एंजॉय करेंगे। एक्चुअली गाइस क्या है ना, हाफलोंग का जो है स्पेशल चीज़ जो है वो है बारामोजा। हमेशा मैं हाफलोंग आता हूँ, बारामोजा खा के जाता हूँ, मेरे मम्मी का तो फेवरेट है। एंड अभी हम लोग नीचे जाके बारामोजा एंजॉय करेंगे। Ooh.
अपना पारो मोजा और पुचका एंजॉय किया है एंड नाउ इट्स टाइम टू गो होम। घर जाने के बाद हम लोग का एक और प्लान हो रहा है, वो क्या है क्या नहीं घर जाकर मैं बताता हूँ आपको। गाइस मैं जो प्लान बता रहा था वो कुछ ऐसा है कि मैं आया हूँ अभी अपना नानी का घर, मेरे मम्मी पापा लोग उस रूम पे है और इस रूम पे मैं सौरव और बहन बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, उसके बाद एक और अंकल के घर जाएंगे। रिलेटिव्स रहते हैं तो उन लोगों के घर पे भी जाना पड़ेगा ना, तो लाइक सुबह हम लोग अच्छे अच्छे स्पॉट्स पे जा रहे हैं और रात को रिलेटिव्स का घर पे। रास्ते बीच पे शायद हम लोग कोई और व्यू पॉइंट पे भी जा सकते हैं नाइट व्यू दिखाने के लिए, तो लाइक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेट्स सी क्या होता है। सो अभी फिलहाल हम कोई और व्यू पॉइंट पे नहीं गए हैं, डायरेक्टली आ गए हैं घर, मामा का घर एक्चुअली। एंड यहाँ पे घर आते समय हम लोग गए थे अपना एक अंकल के घर एंड आते समय मैं अंकल का स्कूटी लेके आया हूँ, एक्चुअली यहाँ पे स्कूटी है। तो लाइक कल हम लोग अंकल का स्कूटी से करने वाले हैं मोटो व्लॉग, तो कल का व्लॉग इज गोइंग टू बी सुपर, सो डोंट मिस इट गाइस। मैंने अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी लाया है, तो हाफ लॉन्ग पे भी मोटो व्लॉगिंग। एंड इसी के साथ आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में, दिस इज केतन साइनिंग आउट फ्रॉम केवी व्लॉग।